स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करेंगे बच्चों क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल की वीडियोस को ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने चैनल पर लेकर आ सकूँ। तो बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को रिकैप्चुलेट करना चाहेंगे जो कि आपकी क्लास 9th की साइंस से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जब आप क्लास 9 साइंस पढ़ रहे थे तब आपने कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक कह रही हूँ ना, मैं याद आ रहा है? तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एक ऐसे टाइप के सब्सटेंस जो कि मिलकर के बनते हैं किससे, सिंगल टाइप के क्या सब्सटेंसेस है, मीन्स उसमें जितने भी मिक्स पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे सेम काइंड के होते हैं, तो उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब जैसे अगर हम कैटेगराइज करना चाहें प्योर सब्सटेंसेस को, तो ये चार्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा है एंड दिस इज़, ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको ताकि आप चीज़ों को प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करो और उसको समझो कि वो क्लास 9th में क्यों था और अब क्लास 10th में आप उसके आगे क्या पढ़ रहे। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमने दो कैटेगरीज में हमने प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, और बच्चों कंपाउंड्स की बात करें तो तीन कैटेगरीज में अगेन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में दोबारा से पढ़ रहे हो, डोंट गेट सरप्राइज, क्योंकि एसिड और बेस चैप्टर भी आपके कोर्स में है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी चैप्टर आपके कोर्स में है। उससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सो वो भी एक बेसिक आप कह सकते हो चैप्टर है केमिस्ट्री का। सो आप ये भी कह सकते हो बच्चों की क्लास 10th में और क्लास 9th में आप लोग क्या कर रहे हो, अपना बेस बना रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप साइंस लेने वाले हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट्स बनने वाले हो तो दीज बेसिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो डोंट अवॉइड देम, जस्ट स्टडी देम एंड जस्ट सी कि केमिस्ट्री जो है किस तरीके से हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें मेटल्स की तो यस, हम उनके साथ एवरी डे डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेटल्स को किसी एक ही जगह पर यूज़ कर रहे हैं, मेटल्स को हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हैं। सेम अबाउट नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो हर किसी चीज़ की अपनी एक वैल्यू है उसकी जगह पर। हम ये नहीं कह सकते कि मेटल्स ज़्यादा अच्छे हैं या आप ये नहीं कह सकते कि नॉन मेटल्स ज़्यादा अच्छे हैं। अरे भाई, हर किसी की अपनी वैल्यू है। तो जानेंगे हम यहाँ पर सिर्फ मेटल्स के बारे में और सिर्फ नॉन मेटल्स के बारे में। ये जो मेटलॉइड्स हैं, एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे, बट जब हमें इनके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा तभी हम इनकी बात करेंगे। तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे अर्थ में टोटल कितने एलिमेंट्स नोन हैं। तो कुल मिला करके 118 एलिमेंट्स नोन हैं अभी तक हमको बच्चों, एंड उसमें से नेचुरली अकरिंग भाई दो टाइप के एलिमेंट्स हैं। एक तो नेचर में ऑलरेडी जो कि एग्जिस्ट करते थे जिनको डिस्कवर किया गया, और दूसरा जिनको लैब में बनाया गया। तो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की अगर बात करें बच्चों, तो वो 92 एलिमेंट्स हैं। टोटल मेटल्स जिसमें से 80 हैं, नॉन मेटल्स जिसमें से 22 हैं। अब आप बोलोगे कि 80 प्लस 22 102, तो रेस्ट जो है कुछ इसमें से मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल की बात करें अगर हम अर्थ के क्रस्ट पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कि है वो है ऑक्सीजन, एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सिलिकन, हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें। और अगर हम देखें ओशियन को, तो ओशियन किससे बना है? पानी से। ओशियन में तो पानी है, तो पानी क्या है भाई, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो उसमें हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है।
तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है मेटल, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकन, एंड ओशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये रही जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर में है। अब हम बात करेंगे कि मेटल्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नॉन मेटल्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो बच्चों, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स और नॉन मेटल्स के टर्म्स में, मीन्स मेटल और नॉन मेटल ये दो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमें क्लास टेंथ में पढ़ना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अपीयरेंस के बेसिस पर अगर हम इग्नोर करें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो हम बात करेंगे उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे समझने में। तो यहाँ पर अगर मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मेटल्स के लिए, तो उनकी फिज़िकल स्टेट आएगी एट फर्स्ट। फिज़िकल स्टेट का मतलब होता है कि मेटल्स एग्जिस्ट कैसे करती हैं, वो पाई किस फॉर्म में जाती हैं अर्थ पर। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, मेटल्स हार्ड होती हैं, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, बट ये जो मर्करी और जो गैलियम है ना, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। वैसे तो मेटल्स सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, बट मर्करी और गैलियम ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बट पोटेशियम और सोडियम दो मेटल ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब अगर बात करें लस्ट्रस की, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन करना। तो मेटल्स की ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम मेटल्स को देखते हैं तो मेटल्स का एक शाइनी सरफेस होता है, वो शाइन करती हैं। इसीलिए उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, ज्वेलरीज में किया जाता है, सुंदर सुंदर से ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। मेटल्स का शाइनी सरफेस होता है। मेटल्स शाइन करती हैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्टर। लस्टर मींस शाइन करना, सो मेंशन किया है। एंड हु इज़ द बेस्ट मेटल जो कि सबसे ज़्यादा शाइन करती है, वो है सिल्वर। सिल्वर अपने ऊपर पड़ने वाली जो लाइट होती है उसका 90% रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड सिल्वर की इस प्रॉपर्टी के कारण उसको एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है मिरर्स में, ठीक है। उसकी पॉलिश की जाती है मिरर्स में ताकि वो पड़ने वाली लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट करे। सो सिल्वर, सिल्वर इज़ दी वेरी गुड रिफ्लेक्ट। मैलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स को हम मैलिएबल, मैलियल का मींस होता है पिघला सकते हैं। अगर हम उनको हैमरिंग करें, अगर हम उन पर हथौड़ा चलाएं, तो मेटल्स ब्रेक नहीं होंगी, वो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। बच्चों जैसे आपने देखा होगा आपके किचन में होती है एल्यूमिनियम फॉइल, तो एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है ना, तो कितनी पतली सी फॉइल होती है वो एल्यूमिनियम की। गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, और वो गोल्ड फॉइल बहुत पतली थी, इतनी पतली थी कि उसको क्रॉस करके, ठीक है, जो अल्फा रेज थी वो स्क्रीन पर जाके गिरी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्वीट्स होती है, जब हम स्वीट्स खरीदते हैं मार्केट से, तो उस पर एक डेकोरेटिंग मीन्स बर्फ़ी वगैरह को डेकोरेट किया जाता है सुंदर सुंदर शाइनी लाइक, तो वो क्या होता है, वो सिल्वर की बेर्क होती है, सिल्वर की पतली सी पन्नी होती है। एंड आप ये भी देख सकते हो कि भाई टिन, टिन की शॉप्स के आगे चादरें पड़ी होती हैं, आयरन, आयरन के क्या होते हैं, गेट्स बने होते हैं, उसमें आयरन की चादरें लगी होती हैं। तो यानी कि मेटल्स क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं, मेटल्स को मैलिएबल किया जा सकता है। अब डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में हम मेटल्स को खींच करके कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए सिल्वर और गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं। 100 ग्राम सिल्वर से हम 200 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं, जबकि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं।
यार 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? तो यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। आपने देखा होगा ना कितने सुंदर सुंदर से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बहुत लाइट वेटेड भी होते हैं, तो क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होती हैं, बट सोडियम और पोटेशियम मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट मेटल्स मानी जाती हैं, क्योंकि ये हार्ड नहीं होती और इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। अगर डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बच्चों। कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें तो मेटल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दे हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी भी उनको एनर्जी मिलती है ना तो वो क्या करते हैं, चलो हीट को कंडक्ट करना है, चलो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो आपके किचन में जितने भी बर्तन होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। भाई घरों में जो वायरिंग हो रही है, जो तार लगे हुए हैं, कॉपर के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। आप सिल्वर तो बेस्ट है ही है, लेकिन हम सिल्वर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है। अगर आपने सिल्वर के वायर लगा दिए अपने घरों में तो भाई आप तो सोशल मीडिया में आपका घर ही वायरल हो जाएगा और चोरी के चांसेस भी बढ़ेंगे, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट, सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट सिल्वर का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, दैट यू नो। उसके बाद आता है कॉपर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जिसमें टंगस्टन जो है ना उसका सबसे ज़्यादा हाई होता है। टंगस्टन आपने देखा होगा कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगाया जाता है, वो टंगस्टन का होता है, वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जैसे आपने पढ़ा है, देखो जैसे सोडियम है, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स और 281। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये वाला, तो क्या हो जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 28, और उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ऐसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का कितना होता है 282 12, तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ये वाले, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाता है 28, और प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का 13 होता है 283, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वो प्लस चार्ज लेती है। सोनोरस, जब भी आपके स्कूल में पीरियड ओवर होता है या छुट्टी होती है या रिसेस होती है या मॉर्निंग असेंबली का टाइम होता है, टन 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 घंटी बजती है। घंटी किसकी बजती है? घंटी किसकी बजती है? घंटी स्कूल की बजती है, स्कूल में बैल होती है और बैल पे यू नो हैमर से मारा जाता है। वो बैल होती किसकी है? वो आयरन की होती है, और जब उसको स्ट्रक किया जाता है तो वो साउंड क्रिएट करती है। तो इसका मतलब है कि मेटल्स जो होती हैं वो सोनोरस होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, ये जस्ट अपोजिट है मेटल्स का। मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, बट नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस। जैसे सॉलिड में आपका आ जाएगा क्या, सॉलिड नॉन मेटल कौन सी होती है, कार्बन, कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, गैसेस फॉर्म में मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे लस्ट्रस की, तो सारी नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होती हैं, बट कार्बन और आयोडीन क्या है, वो एक्सेप्शंस हैं। कार्बन और आयोडीन शाइन करते हैं, उनके कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है लाइक डायमंड तो वो शाइन करता है। आयोडीन के क्रिस्टल्स आपने सॉल्ट में देखा होगा, क्रिस्टल्स शाइन करते हैं ना सॉल्ट के, तो किस तरीके से शाइन करते हैं, वो आयोडीन की वजह से शाइन करते हैं। अब मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल हैं, मतलब आप उनको अगर थोड़ा सा भी क्या करोगे, स्ट्रक करोगे किसी चीज़ से तो वो टूट जाएगी, लंबे तार में भी वो कन्वर्ट नहीं होंगी। अब डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो एक्सेप्शन है। किसके लिए एक्सेप्शन है डायमंड? डायमंड की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और डायमंड जो है सबसे हार्ड है। बट डायमंड क्या है, डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है, तो डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। अब यहाँ पर बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट की, तो नॉन मेटल्स क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी।
कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन है बच्चों। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। केमिस्ट्री में आपका टीचर कहता कुछ और है और दूसरे ही वक्त क्या करता है, अपना सेंटेंस रिवर्स कर लेता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है। देयर आर सो मैनी एक्सेप्शंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो केमिस्ट्री में रूल्स तो बनाए गए हैं, बट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस दीज रूल्स आर नॉट वैलिड एवरीवेयर। सो ग्रेफाइट जो है वो यहाँ पर सबसे गुड कंडक्टर होता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट और नो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग एंड शेयर अभ्यास इंस्टीट्यूट वीडियोज़। थैंक यू।